पर इस वक्त ये पीडीपी की जानिब से यह संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं कि न सिर्फ पार्टी के वर्करों को हिरासत किया गया बल्कि कुछ लोगों के पार्टी तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तारियां हो रही हैं। और इतना ही नहीं, जो गुज़श्ता रोज से संगीन किस्म के इल्जामात पार्टी सदर समेत नायब सदर, वर्कर्स, जो सेक्रेटरीज थे, तमाम लोग के 1987 को दोहराने की कोशिश है। इन सब के दरमियान देर रात मजीद कार्रवाइयां पीडीपी वर्करों के खिलाफ हुई हैं। इसकी तस्दीक पार्टी ज़राए इस वक्त कर रहे हैं वादी कश्मीर से। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने संगीन इल्जामात आयद किए हैं, जहां महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एनकाउंटर्स वाला मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ था। वहीं पर यह कहा जा रहा है कि पोलिंग के लिए जो उनके वर्कर्स हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रह रहे हैं, रखने की कोशिश की जा रही है, उन्हें तंग तलब किया जा रहा है, थानों के अंदर तलब किया जा रहा है। और ये प्री प्लानड सब कुछ है, पीडीपी की तरफ से संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है। वहीं पर रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से यह साफ कर दिया गया है, जहां पर भी सिक्योरिटी खदशात है, जो कुछ भी है, ये दरअसल एक सेट नॉर्म के तहत किया जा रहा है और किसी को ये जो शक शुबहात वाली बातें हैं उससे बाहर आना चाहिए। सीधे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जमान डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कल वोटिंग है और वोटिंग से पहले 1987 को सरकारी तौर पर दोहराने का इल्ज़ाम आपकी तरफ से लगाया जा रहा है, ये आपको नहीं लगता है कि शायद ज्यादती होगी इलेक्शन कमीशन के साथ और उन अथॉरिटीज के साथ जो कंटिन्यूसली और रिग्रेसली ये चाह रहे हैं कि कैंपेन भी सही तरीके से हो, कैंडिडेट्स भी सही तरीके से चले और इलेक्शन प्रोसेस भी सही तरीके से हो? क्रिया, आपने इस बड़े सेंसिटिव इशू पे मेरे साथ बात की। मैं आपको अथॉरिटी से कहूंगा कि पुलिस की तरफ से जो इस वक्त जो एटीट्यूड पुलिस का है, जैसे पहले बायकॉट कॉल आती थी हुर्रियत और मिलिटेंटों की, उसी तरीके से जितने भी एक्टिव लोग जिस एरिया में है वो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको जो बंद रखा हुआ है। इवन मैंने एक फॉर्मल कंप्लेंट इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे पोले साहब हैं उनको की, उनकी तरफ से फोन भी आया, उन्होंने एश्योर किया कि नहीं, हम इसमें एक सीरियस नोट लेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन अभी तक वो वर्कर बंद है, तीन लोगों को त्राल में छोड़ा गया, बट अभी भी 10-12 लोग, इसी तरह वर्ची है, पुलवामा है, और जो घबराहट है हमारे वर्कर्स जो मेन एक्टिव लोग हैं जिन्होंने मोबिलाइजेशन की थी, उन्होंने स्विच ऑफ रखे हैं, वो अपने घरों में नहीं है। आप यकीन मानिए कि मिलिटेंसी के 90 के दौर में भी इतना डर नहीं था, खौफ नहीं था कि जिस तरह मिलिटेंट कहते थे कि आज बायकॉट करना है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइए ना, जिन लोगों को बुलाया गया था वो कौन थे? क्या उनके ऊपर कोई पर्चा है या कोई बैक हिस्ट्री है उनकी कि वो किसी न किसी तरीके से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं? अशफाक साहब, जितने भी लोग त्राल से उठाए गए हैं, मैं अथॉरिटी से कहता हूँ वो कोई भी किसी भी पुराने केस में नहीं है, उनका कहीं भी कोई लिंक नहीं है, उनके खिलाफ कोई पर्चा नहीं है, वो स्टून पेल्टर नहीं है, वो मिलिटेंसी, इवन उनके घर से कोई मिलिटेंट आज तक नहीं हुआ है। और सबसे सबसे बड़ी बात है कि जितने भी लोग उठाए गए वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ एफिलिएटेड है, किसी भी और पार्टी का आदमी नहीं उठाया गया। ये प्लांटेड थिंग है, ये डेमोक्रेसी को, जो इस वक्त ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं जिसको कहते हैं कि हमने। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन लोगों को तलब किया गया है थानों में, क्या वो इलेक्शन एजेंट्स हैं या पोलिंग एजेंट्स हैं? कुछ लोग एजेंट हैं, कुछ लोग हमारे पार्टी एक्टिविस्ट हैं जो ड्यूरिंग हमारे जो कंपेनिंग थी उसमें हमारे साथ साथ थे, और कुछ लोगों ने रिसेंटली पीडीपी ज्वाइन की है। तो देख, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जो दुख की बात है कि एक तरफ से हमारे लोग दे रहे हैं, सीआईडी वाले लोग इतला दे रहे हैं, गवर्नमेंट को लिख रहे हैं कि पोल परसेंटेज जी इतनी बढ़ जाएगी, 30% बढ़ेगी, 40% बढ़ेगी, उधर से पुलिस जो लोग मोबिलाइज कर रहे हैं उन्हीं को थानों में डाल रही है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? हम तो कहेंगे 87 ही नहीं कहेंगे, मैं तो कहूंगा कि जिस तरह मिलिटेंसी की तरफ से फरमान होता था घर से बाहर नहीं निकलना है, मुझे तो लगता है पुलिस अब वही फरमान करेगी कि शायद ये गाड़ियां भी घुमाएंगे, बोलेंगे वोट नहीं डालो। ये इसमें इलेक्शन कमीशन को बहुत सीरियस नोटिस लेना पड़ेगा, और जो पुलिस अफसर इसमें इन्वॉल्व है उनको अटैच करें, सस्पेंड करें, क्योंकि ये जो नेशनल लेवल पे हम डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और हम अपने लोगों को बोलते हैं जो एक्टिव है वो बाहर ना निकल। अच्छा, अब ये बताइए ना, आप कह रहे हैं कि आपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन की जी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ, और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने रिस्पॉन्ड भी वापस किया है, तो क्या ये पॉजिटिव स्टेप नहीं है
कि आपने इतने जल्दी में उन्होंने वापस भी आपको रेस्पॉन्ड किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू पोले साहब कि उन्होंने उन्होंने इमीडिएट रेस्पॉन्स किया, लेकिन जो एक्शन करनी है उन पुलिस अफसरों के खिलाफ जिन्होंने इनको डिटेन किया है वो तो अभी तक हुआ नहीं। देखो मैं तो थैंकफुल हूँ, मैंने तो यहीं से आपको कहा कि रेस्पॉन्स बड़ी क्विक रेस्पॉन्स हुई, मेरे को कॉल आया। मैं तो कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन पे हमें कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन जो लोकल लेवल पे पुलिस कर रही है, 87 को दोहराया जा रहा है, खुद ही कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर कोई शक शुबा नहीं है, तो ये कंफ्यूजन पीडीपी के अंदर तो नहीं है। आप मुझे बताइए पुलिस को किसने ऑर्डर दिया है कि वो लोगों को बंद करे? पुलिस को किसने ऑर्डर दिया है जो घर का सरबरा, मैं आपको कहता हूँ अशफाक साहब, हमारे एक अब्दुल्ला गुजर साहब है, वो दुधमरे से बहुत बड़े लीडर है, उनके मोहल्ले में अपने 400 वोट है और उनके लोग बोलते हैं अगर हमारे अब्दुल्ला साहब को नहीं छोड़ा गया, दोबारा तंग किया गया, तो हमें 400 में से कोई वोट नहीं डालेंगे। तो फिर क्या है, 87 नहीं है और क्या है? आप मुझे बताइए ना, जब आप एक गांव के एक सरबरा को, एक ऐसे इन्फ्लुएंशियल आदमी को उठा लेते हो, उसको बंद रखते हो, उस गांव के लोग वोट डालने निकलेंगे? तो डॉक्टर साहब, वजह क्या मालूम होती है इस पूरे अमल के पीछे? जब कुछ भी नहीं कहते हैं हमें ऊपर से दबाव है, जब हम छोटे अफसर से बात करते हैं कहते हैं हमें ऊपर से दबाव है, तो दबाव समझ नहीं आ रहा है। इलेक्शन कमीशन कहता है हमारा कोई ऐसी इस तरह का कोई ये नहीं है, तो इसमें इलेक्शन कमीशन को सीरियस नोटिस लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए। फिलहाल पीडीपी का अपना एक मौकफ है इस पूरे मामले पर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बाजाबता तौर पर, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उन्होंने उस खत का जवाब भी दिया और बाजाबता तौर पर टेलीकम्युनिकेशन भी हुई है डॉक्टर हरभक्त सिंह के साथ। लेकिन होप्स हो कि इस तरीके के माहौल ना बने और सब लोग जो है वो पोलिंग मराकज पर आए, वोट डालें। हम सब ने इसके लिए एक बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी ताकि ये पूरा मामला सही तरीके से चले।